क्या अग्नि परीक्षा में पास हो पाएगी ईवीएम? चुनाव आयोग ने तमाम दलों को क्या दी चुनौती? क्या बहाल हो पाएगा ईवीएम की विश्वसनीयता? ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं, इस पर से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि ईवीएम को हैक करने के लिए चुनाव आयोग ने सभी दलों को 2 दिनों का वक्त दिया है। यानी अपनी विश्वसनीयता को साबित करने के लिए ईवीएम को 2 दिनों तक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। दरअसल ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टियों की शंकाओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में 7 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा 48 मान्यता प्राप्त रीजनल पार्टियों में से 35 के नुमाइंदे शरीक हुए। बैठक में सभी पार्टियों के नुमाइंदों को बोलने के लिए 5 मिनट का वक्त दिया गया। तय वक्त में सभी पार्टियों के नुमाइंदों ने अपनी शिकायत और सुझाव दिए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम में टैम्पर होने का दावा करने वाले दलों को ऐसा करने का चैलेंज दिया। खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने ईवीएम को हैक करने के लिए 2 दिनों, रविवार और सोमवार का दिन तय किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने बैठक के दौरान ईवीएम हैक नहीं होने के अपने दावे को दोहराया, लेकिन सवाल उठाने वालों से कहा कि हम आपको 2 दिन मशीन देंगे, अपने एक्सपर्ट को लेकर आइए और साबित कीजिए। चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों के लाइव डेमो के लिए भी इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि यूपी और पंजाब चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसका विरोध किया था, बाद में अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर जांच की बात कही थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए थे। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को आपने मोदी की नहीं बल्कि ईवीएम की जीत बताया था। हालांकि चुनाव आयोग शुरू से विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताता रहा है, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रुख के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है। आयोग के इस फैसले के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आरोप लगाने वाले दल अपने दावों को सही साबित कर पाते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।